मैं सलाबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के पुलिस आयुक्तालय की वेबसाइट मंगलवार को कथित तौर पर हैक कर ली गई थी और उस पर भारत सरकार के लिए एक मैसेज आने लगा था, जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि आज महाराष्ट्र साइबर सेल के ADG मधुकर पांडे ने कहा है कि देश में चल रहे सांप्रदायिक तनाव के कारण कई बार साइबर हैकरों ने देश में कई वेबसाइटों को हैक किया है। वहीं इस मामले में दो देश के नाम सामने आ रहे हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। फिलहाल यह गिरोह भारत में सक्रिय है या नहीं है, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमने कई वेबसाइटों को फिर से रिकवर और सिक्योर भी कर लिया है और बहुत कुछ अभी सिक्योर किया जाना बाकी है। इस साइबर हमले में 70 से अधिक वेबसाइटों पर आज साइबर अटैक हुआ है, जिनमें से 3 सरकारी हैं, उसके बाद कुछ निजी विश्वविद्यालय की वेबसाइटें हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आज करीब 500 से ज़्यादा वेबसाइट हैक की गई थी। गौरतलब है कि आज ठाणे के पुलिस आयुक्त की वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर एक संदेश लिखा था। भारत सरकार के लिए ये संदेश लिखा गया था, बार बार आप इस्लामी धर्म को लेकर समस्या खड़ी कर रहे हैं, जल्दी दुनिया भर के मुसलमानों से माफ़ी मांगें, हमारे पैगंबर के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की आगे अभी जाँच जारी है। आज सुबह 8:30 बजे के दरमियान यह मालूम गिरा कि ठाणे पुलिस साइट वेबसाइट जो है वो हैक हुई है, तो उसका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन साइबर टीम ने किया है। तो उससे पता चलता है कि मॉर्निंग 4 बजे से ये वेबसाइट हैक हुई थी, तो 4 से 9:30 बजे तक ये वेबसाइट हैक रही। 9:30 बजे हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन्होंने पूरा डेटा रिकवर कर लिया है और वह वेबसाइट अभी रिस्टोर हो चुका है। सर, क्या संगठन के बारे में कुछ पता चल रहा है, ये इंटरनेशनल ऐसे बताया जा रहा है, कुछ नाम बताएंगे? अभी जिन्होंने भी यह हैक किया है उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल हो रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन के अंत में पता चलेगा क्या यह क्या प्रकार है। डेटा में कुछ मिसिंग जानकारी सामने आ रही है क्या, किस तरह से यहाँ पे पूछताछ? नहीं, अभी तो ऐसा कोई डेटा में कोई मिसिंग और ये जानकारी सामने नहीं आ रही है। पूरा इन्वेस्टिगेशन जब पूरा होगा तब एग्जैक्टली क्या हुआ है सब पता चलेगा। थैंक यू सर।